ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। पिछले जो लेक्चर में हमने पढ़ा था उसके आगे आज अपन फिर शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अतुल गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज, जीतवाना। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। इंटरपोलेशन कि डेफिनेशन भी एक बार देख लें दोबारा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखी थी। अगर आर्गुमेंट एक्स और एंट्री एफ एक्स, फलन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपने को दी गई है, तो ये कुछ डाटा अगर दिए गए हैं तो इंटरपोलेशन किसे कहते हैं। जैसे किसी शहर की जनसंख्या मान लीजिए 1970 में थी 22,000, 1980 में मान लीजिए वो जनसंख्या दी गई है 27,000, 1990 में जनसंख्या दी गई है 30,000, 2000 में वो जनसंख्या दी गई है 32,000। अब इनके बीच में 1970 से देखे 2000 के बीच में किसी भी बिंदु पर या किसी भी वर्ष में जनसंख्या ज्ञात करनी हो तो ये कहलाती है अंतर्वेशन। जैसे 1985 में जनसंख्या बताइए कितनी थी, तो वो 27,000 और 30,000 के बीच में कुछ आएगी, वो एग्जैक्ट कितनी थी इसका कैलकुलेशन हम इंटरपोलेशन में करते हैं। और अगर जो दिए गए डाटा है इससे बाहर की वैल्यू, जैसे 2010 पे पूछ रहे जनसंख्या कितनी होगी, तो ये कहलाता है एक्स्ट्रापोलेशन, बहिर्वेशन। तो अभी इंटरपोलेशन पढ़ना है अपने को, तो इंटरपोलेशन दिए गए डाटा के जो आर्गुमेंट और एंट्री दी गई है उसके बीच में किसी बिंदु पर फलन का मान निकालना। तो इसके मेथड ने सॉल्यूशन निकालने के पॉइंट ज्ञात करने के कुछ मेथड्स हैं, जिसमें एक है जैसे ग्राफिकल मेथड है, कर्व फिटिंग मेथड है। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं, इसलिए इनका कोई अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें परिमित अंतरकलन विधि, जिसमें न्यूटन ग्रेगरी के दो फॉर्मूले हैं, न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र और न्यूटन ग्रेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र, उसका अध्ययन किया जाएगा इस सेकंड चैप्टर में, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। ये यहां पर जो इंटरवल दे रखा 1970, 1980, 1990, 2000, ये इक्वल इंटरवल है। अंतराल का अंतर 10 है, एच बराबर 10 दिया गया है, तो ये इक्वल इंटरवल के लिए ये पढ़ेंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें y इज इक्वल टू एफ एक्स को फंक्शन दिया गया है, जिसमें आर्गुमेंट x के संगत फलन के मान दिए गए हैं। तो मान लीजिए आर्गुमेंट का इक्वल इंटर पर वैल्यू दी गई है a प्लस एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच, एस, इसके बाद लास्ट वैल्यू मान लीजिए दी गई है a प्लस एन एच। इस पर फंक्शन की वैल्यू a के कॉरस्पॉन्डिंग होगी एफ ए प्लस एच के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ए प्लस एच, ए प्लस टू एच की फंक्शन की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग होगी ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच के, एंड सो ऑन, लास्ट ए प्लस एन एच के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है एफ ए प्लस एन एच। तो ये जो अपन ने ऊपर लिए थे, तो ये वैल्यू ए एफ ए, ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, इस तरह से ये अपने को डाटा दिया गया है। और यहां पर ये कुल मान जो दिए गए हैं एक्स के, ये 1, 2, 3, 4 एन प्लस वन मान दिए गए हैं, है ना। ए तो ये सिंगल वैल्यू है, फिर ए प्लस एच, एक एच, दो एच, एन एच, तो एन एच तक, तो यहां एन वैल्यू तो ये रही और एक ये रही, एन प्लस वन वैल्यू कुल दी गई है। तो एन प्लस वन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर पॉलिनोमियल देखें तो वो पॉलिनोमियल एन घात का होगा, क्योंकि पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि अगर एन प्लस वन डाटा दिए गए हैं तो फिर इनके कॉरस्पॉन्डिंग बनने वाला पॉलिनोमियल एन घात का होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ थी इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस की, वो अपन ने पढ़ी थी। तो यहां पर एन घात का बहुपद इनसे, इन आंकड़ों से बनेगा। अब एन घात का पी एन एक्स बहुपद देखते हैं, तो एक्स की पावर एन आएगी, तो सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की पावर एन प्लस सम अदर कॉन्स्टेंट एक्स की पावर एन माइनस वन आएगा, फिर एक्स की पावर एन माइनस टू आएगा, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। तो ये पॉलिनोमियल लिया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला इजी बनाना है जिससे क्वेश्चंस में अप्लाई आसानी से कर सकें, इसलिए पॉलिनोमियल दूसरे रूप में यहां ले लिया जाता है। न्यूटन फॉर्मूले में इसी तरह से लिया गया है, तो है तो वो सिंपल पॉलिनोमियल, लेकिन इसका रूप अलग है। उल्टे क्रम में ले लिया, कॉन्स्टेंट टर्म सबसे पहले लिख दिया ए जीरो, फिर प्लस ए वन सेकेंड कॉन्स्टेंट, एक्स माइनस ए, ये वाला एक्स माइनस ए ले लिया, ये वाला एक्स माइनस ए, फिर a2 x माइनस ए, एक्स माइनस ए प्लस एच। तो इसको चाहें तो x माइनस ए प्लस एच लिख के और अपन ब्रैकेट
लाइन ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट भी देखें तो ये लिखेंगे अपन ए थ्री एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए प्लस टू एच, है ना, एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए प्लस टू एच, तो वो एक्स माइनस ए प्लस टू एच ले लिया। एंड लास्ट एंड सो ऑन, लास्ट टर्म इज ए एन एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, इसको दोबारा लिख देता हूं एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच, ये भी ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये टर्म यही वाली है, नीचे दोबारा लिख दिया, इसमें थोड़ी सी कटिंग थी। तो यहां पर ये कुल एन टर्म्स आ गई, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस एच एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन एच, तो ये एक एच दो एच तीन एच आते एन माइनस वन एच, तो यहां आएंगे तो एन माइनस वन टर्म यहां से यहां तक हुई, एनवी टर्म ही हो गई। तो इन सब पदों को जब गुणा करेंगे तो एक्स की पावर एन बड़े से बड़ा पद आएगा, फिर एक्स की पावर एन माइनस वन भी आएगा, एन माइनस टू भी आएगा, और सबको कंसोलिडेटेड करके अगर लिखेंगे तो पॉलिनोमियल जो अपना बनता है कि पी एन एक्स जो बनता है ना, से बी जीरो एक्स की पावर एन प्लस बी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म कांस्टेंट बी एन, तो ये एन एन टर्म का एन डिग्री का पॉलिनोमियल ये होता है। तो उसको ठीक तरह से अगर अपन सारा सॉल्व करके अरेंज करेंगे तो इसी रूप में ये बन सकता है, बन जाएगा। तो केवल ये अपनी फैसिलिटी के लिए, फॉर्मूला इजी करने के लिए अपन ने ये इस रूप में, न्यूटन ने इस रूप में ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल इस रूप में मान लिया। यहां पर ये जो ए जीरो ए वन ए टू ए एन है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं जो इस प्रकार लिए गए हैं, ये सारे कांस्टेंट्स हैं जो इस प्रकार लिए गए हैं कि पॉलिनोमियल में अगर एक्स बराबर ए लिखें, अपन ये पॉलिनोमियल किस प्रकार का, ये पॉलिनोमियल इस तरह का है कि अगर इस पॉलिनोमियल में एक्स बराबर ए पुट कर दें तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए बन जानी चाहिए, इस पॉलिनोमियल में एक्स बराबर ए प्लस एच पुट कर दें अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड टोटली कन्वर्ट हो जाना चाहिए एफ ए प्लस एच में, ए प्लस टू एच पुट कर दें तो पूरा पॉलिनोमियल बन जाना चाहिए एफ ए प्लस टू एच। तो ये यहां लिख दिया गया है कि पी एन ए, इसमें पी एन ए रख दें तो पी एन ए की वैल्यू एफ ए हो जानी चाहिए, पी एन ए प्लस एच की वैल्यू एफ ए प्लस एच बन जानी चाहिए, ए प्लस टू एच पे पॉलिनोमियल पूरा पॉलिनोमियल ए प्लस टू एच में कन्वर्ट एफ ए प्लस टू एच में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और पी एन ए प्लस एन एच पूरा की पूरा पॉलिनोमियल एफ ए प्लस एन एच में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर दो मान लेते हैं। तो अपन कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करेंगे इन जो अपन ने पॉलिनोमियल मान रखा है, इसमें एक्स बराबर ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच ए प्लस थ्री एच रखकर पॉलिनोमियल की वैल्यू दो को यूज करते हुए बननी चाहिए। तो इसकी सहायता से अपन अभी कैलकुलेट करेंगे सारे कॉन्स्टेंट्स। तो कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसमें अपन ने एक्स बराबर ए रखा, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स बराबर ए रखा, तो ये पी एन ए होगा। पी एन ए का मान अगर अपन देखें, पी एन ए का मान क्या बराबर, एक्स बराबर ए पुट करें इस पॉलिनोमियल में, तो एक्स बराबर ए पुट कर रहे हैं पी एन ए, तो ये ए पुट करने पर ए जीरो आएगा प्लस ए माइनस ए जीरो हो गया, तो जीरो हो गई ये टर्म, पूरी जीरो हो गई। ये a माइनस ए अगेन इट विल बिकम जीरो, तो आगे वाले इसमें भी a माइनस ए आ रहा है, तो ये सारी चीजें जीरो बनेंगी, ये सारी टर्म्स जीरो बनेंगी, तो पी एन ए बन गया a जीरो, और दो का यूज करें तो पी एन ए बराबर है एफ ए के, तो पी एन ए बना a जीरो जो कि है एफ ए के इक्वल। तो ये यहां लिखा हुआ है पी एन ए बना a जीरो जो है एफ ए के इक्वल। अब वापस इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर ए प्लस एच पुट करते हैं, तो ये पी एन ए प्लस एच, दो को यूज करें तो ये एफ ए प्लस एच बनना चाहिए, तो पी एन ए प्लस एच होगा एफ ए प्लस एच, अब रखते हैं ए प्लस एच, तो ए जीरो ऐसे रहेगा प्लस ए वन ए प्लस एच माइनस ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। फिर इसमें रखा अपन ने ए प्लस एच, तो ए टू ए प्लस एच माइनस ए और ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, तो इट विल बिकम जीरो, तो ये आगे वाली टर्म इसमें भी आ रहा है ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच, ये तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, आगे वाली सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो केवल वैल्यू बनेगी पी एन ए प्लस एच की, क्या वैल्यू बनेगी पी एन ए प्लस एच की वैल्यू बनेगी ए जीरो प्लस ए वन ए प्लस एच माइनस ए, बाकी सब जीरो बन जाएंगे।
तो ये आ गया ए जीरो प्लस एच ए वन। तो इससे अपन कैलकुलेट करें तो पी एन ए प्लस एच, इक्वेशन दो का यूज करें, यही दो इक्वेशन पी एन ए प्लस एच है, एफ ए प्लस एच, तो इसमें आ गया एफ ए प्लस एच, ए जीरो अपना एफ ए था ही, ऊपर से यूज करके लिख लिया, और ये टर्म बनी ए जीरो प्लस ए वन एच थी ना, पी एन ए प्लस एच बन गया ए जीरो प्लस ए वन एच, तो पी एन ए प्लस एच तो हो गया एफ ए प्लस एच, ए जीरो का मान है एफ ए, एच ऐसे की ऐसे, ए वन ऐसे की ऐसे, तो ए वन कैलकुलेट अपन ने किया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, तो डेल एफ ए ओवर एच, ये आ गई ए वन की वैल्यू। तो ए वन, ए जीरो तो थी एफ ए, ए वन वैल्यू आ गई डेल एफ ए ओवर एच। इसी प्रकार अगर इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू एच पुट करें और उसमें यूज सेकंड को करें तो पी एन ए प्लस टू एच बन जाएगा एफ ए प्लस टू एच, और उसको सॉल्व करेंगे तो ए टू की वैल्यू आएगी एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर टू एच स्क्वायर, तो वो हो गया डेल स्क्वायर एफ ए ओवर टू एच स्क्वायर। तो इस तरह से सारे ए वन ए टू कॉन्स्टेंट ये सारे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, और लास्ट वहां ए एन कॉन्स्टेंट आ जाएगा डेल एन एफ ए ओवर फैक्टोरियल एन एच रेस टू दी पावर एन। अब ये जो सारे कॉन्स्टेंट हैं वो इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा पुट करते हैं, पुटिंग ऑल अबाउ वैल्यूज ऑफ ए इन ए फर्स्ट वी गेट पी एन एक्स एफ ए, तो ये जो था अपना पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ ए पुट कर दिया, ए वन अपना है डेल एफ ए अपॉन एच, तो इसको लिखने का तरीका अपन ने लिख लिया कि एक्स माइनस ए अपॉन एच तो लिख दिया डेल एफ ए यहां लिख दिया, फिर नेक्स्ट टर्म इज एक्स माइनस ए माइनस एच फैक्टोरियल दो एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए लिख दिया, और लास्ट में भी अपन ने ए एन की वैल्यू लिख दी डेल एन एफ ए आ गया। तो ये है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और इसको इजी रूप में लिखा जा सकता है अगर इस एक्स माइनस ए अपॉन एच को अपन एम पुट करें, एक्स माइनस पुट एक्स माइनस ए ओवर एच इज एम, देन वी गेट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एम एच, तो ये सारे में रख दिया x की वैल्यू, तो पी एन ए प्लस एम एच इज इक्वल टू हो गया एफ ए प्लस एम डेल एफ ए प्लस एम एम माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल दो डेल एफ ए स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन, लास्ट इज एम एम माइनस वन एम माइनस वन ओवर फैक्टोरियल एन डेल एन एफ ए। ये आ गया पी एन ए प्लस एम एच की वैल्यू एफ ए, इसको अपन कॉम्बिनेशन में लिखें तो ये एम सी वन की वैल्यू एम ही होती है, तो ये एम सी वन बन गया एम सी वन डेल एफ ए, ये एम एम माइनस वन बटे फैक्टोरियल दो एम सी टू होता है, तो डेल स्क्वायर एफ ए है, ये एम सी एन है डेल एन एफ ए। तो दिस इज नोन एज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिससे हम अंतर्वेशन किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। ये अग्र सूत्र है, तो जो डाटा दिए गए हैं उसके आगे वाले मानों में अगर कोई मान निकालना है तो इससे आसानी से कैलकुलेट किया जा कर लिया जाएगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी सहायता से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, कोई एक अपने को किसी वर्ष में जनसंख्या के डाटा दिए गए हैं, तो ये डाटा क्वेश्चन में दिए गए हैं कि वर्ष जिसको अपन ने एक्स से आर्गुमेंट से एक्स से लिखा है, 1911 में जनसंख्या उस शहर की दी गई है 12,000, 21 में जनसंख्या उस शहर की है 15,000, 1931 में जनसंख्या है 20,000, 41 में जनसंख्या है 27,000, 1951 में जनसंख्या है उसकी 39,000 और 1961 में जनसंख्या है 52,000। तो सबसे पहले चूंकि जो न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र अपन ने पढ़ा है उस सूत्र में सारे अग्रांतर काम में आ रहे हैं, जैसे ये था एफ ए डेल एफ ए डेल स्क्वायर एफ ए डेल की पावर एन एफ ए, ये अग्रांतर सारे अपने को काम में लेने पड़ेंगे, और एक एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जहां एम क्या है वेयर एम इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, ये अपन ने माना हुआ था ऊपर, ये रहा यहां पर एक्स माइनस ए ओवर एच, ये लिख दिया अपन ने। तो एक तो हर क्वेश्चन में न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगाना है तो एक तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है और एक सारे अग्रांतर कैलकुलेट करने पड़ेंगे ये वाले, तो एक तो अग्रांतर सारणी बनानी पड़ेगी कि एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं,
तो ये जो डाटा दिए गए थे ये वाले और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री दी गई थी, उनसे पहले अपन अग्रांतर सारणी बनाते हैं। तो ये है अग्रांतर सारणी। तो अग्रांतर सारणी में डेल एफ ए निकालें तो 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों के बीच में ठीक लिखेंगे 3, तो ये अग्रांतर आ जाएगा। तो ये पहला अग्रांतर डेल एफ ए कहलाता है। ये 20 में से 15 घटाए तो ये हो गया एफ ए प्लस एच का अग्रांतर पहला, मतलब डेल एफ ए प्लस एच। इसमें से ये घटाया बीच में लिखा, इसमें से ये घटाया बीच में लिखा, इसमें से ये घटाया बीच में लिखा, तो ये सारे पहले अग्रांतर आ गए, मतलब डेल एफ ए, डेल एफ ए प्लस एच, डेल एफ ए प्लस टू एच, डेल एफ ए प्लस थ्री एच, डेल एफ ए प्लस फोर एच, ये सब आ गए। फिर दूसरे अग्रांतर निकालें तो इसमें से ये घटाओ ठीक बीच में लिखो, तो ये 5 में से 3 गया, 2 बीच में लिख दिया, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करके बीच में लिख दिए, 13 में से 12 गया 1 लिख दिया। तो ये है दूसरे अग्रांतर डेल स्क्वायर एफ ए। तो ये डेल स्क्वायर एफ ए है, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच है, ये डेल स्क्वायर एफ ए प्लस टू एच है। तो ये एफ ए लिखने की जगह ज्यादा अच्छा है अपन एफ एक्स लिख दें, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ए ए प्लस एच में आएगी। तो ये सारे अग्रांतर एक्स के, एफ एक्स के सारे अग्रांतर हैं। तो ये डेल स्क्वायर आ गया, इसी तरह से इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करके बीच में लिखा, ये डेल स्क्वायर एफ एक्स आ गए, ये डेल क्यूब एफ एक्स आ गए, और ये डेल फोर एफ एक्स आ गए, और ये डेल फाइव एफ एक्स आ गए। तो ये अग्रांतर सारणी अपन ने सबसे पहले बना ली। अब इसमें जो बात ध्यान रखनी है कि ये वैल्यू कहलाती है एफ ए, ये डेल एफ ए, ये डेल स्क्वायर एफ ए, ये डेल क्यूब एफ ए, ये डेल फोर एफ ए, ये डेल फाइव एफ ए। तो एफ ए के सारे अग्रांतर इस तिरछी लाइन पे पड़े होते हैं। ऐसे ही एफ ए प्लस एच ये है तो इसके सारे अग्रांतर इधर होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि डेल क्यूब एफ ए प्लस एच बताइए, तो डेल क्यूब एफ ए प्लस एच है 3, तीसरा अग्रांतर एफ ए प्लस एच का। जैसे डेल स्क्वायर एफ ए प्लस टू एच बताइए, तो एफ ए प्लस टू एच तो ये होगा, और डेल स्क्वायर एफ ए प्लस टू एच बताना है तो ये रहा 5। तो ये एफ ए प्लस टू एच के सारे अग्रांतर ये रहे, एफ ए प्लस थ्री एच के सारे अग्रांतर ये रहे, इस प्रकार पड़े होते हैं। तो तिरछी लाइन के अग्रांतर तिरछी लाइन पे होते हैं। इसमें अपने को जो न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, इसमें एफ ए, डेल एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल क्यूब एफ ए, डेल फोर एफ ए, डेल फाइव एफ ए, ये वाले सारे अग्रांतर चाहिएंगे। तो जो अग्रांतर सारणी बनी है इसमें ऊपर वाली तिरछी लाइन पर जितने भी अग्रांतर पड़े होते हैं वो सारे फॉर्मूले में काम में आएंगे। तो ग्रेगरी सूत्र के सारे अग्रांतर तो निकल इस अग्रांतर सारणी से अपने को ज्ञात हो गए। अब एक वैल्यू रहती है एम कैलकुलेट करना, तो वह एम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अपने को y दिया गया है कि x बराबर 1926 पर बताइए कितनी जनसंख्या थी। यहां जनसंख्या 15,000-20,000 के बीच में कुछ आएगी, वो निकालनी है एग्जैक्ट कितनी आएगी। तो x बराबर 1926 पर एफ एक्स बताइए कितना होगा, तो फाइंड y एट x इज इक्वल टू 1926, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर इस प्रश्न में a बराबर तो 1911 है, अंतराल का अंतर हरेक में h बराबर 10 है, और x बराबर 1926 मतलब a प्लस एम एच की वैल्यू 1926 है, या अपन x बराबर वो भी ले सकते हैं a प्लस एम एच, x बराबर a प्लस एम एच ही तो अपन ने फॉर्मूले में था ना, तो x माइनस a ओवर h कोई तो m का है, तो यहां पर रख दो। तो x बराबर तो 1926, a बराबर 1911, h बराबर 10 रख दिया, तो m की वैल्यू आ गई 1.5। तो m कैलकुलेट हो गया, सारे अग्रांतर कैलकुलेट हो गए। तो अब अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला है पी एन ए प्लस एम एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एम सी वन डेल एफ ए प्लस एम सी टू डेल स्क्वायर एफ ए एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू जो अपने को पता है ये सारे इसमें रखते हैं। ये एफ 1926 पे निकालना है, एफ ए ये रहा एफ ए 12, तो अपन ने रख दिया 12, प्लस एम, एम है 1.5, ये रहा 1.5, डेल एफ ए ये रहा डेल एफ ए 3, तो ये भी 3 रख दिया। फिर एम सी टू मीन्स एम एम माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2, तो m 1.5, 1.5 माइनस 1.5 बटे फैक्टोरियल 2 का मान, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए ये रहा एफ ए के दूसरा अग्रांतर ये रहा, तो ये रख दिया 2। इसी प्रकार डेल क्यूब एफ ए 0 है तो यहां 0 रख दिया, डेल 4 एफ ए 3 है, ये रहा डेल 4 एफ ए 3 है, तो ये भी रख दिया, और डेल 5 एफ ए माइनस 10 है तो माइनस 10 रख दिया। तो डेल 5 में आएगा m, m माइनस 1, m माइनस 2, m माइनस 3, m माइनस 4 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू पांचवा अग्रांतर,
तो पांचवा आ गया डेल फाइव एफ एक्स ये रहा माइनस दस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो 12 तो ये है ही, ये तीन और चार वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो 17.25, इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें ये रही, तो ये माना है 17.43। तो 1900 जनसंख्या में 17,000 के करीब थी, 17.43 हजार के करीब थी, तो ये देख लो इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा। 21 से 31 के बीच में जनसंख्या 15,000 और 20,000 के बीच होनी चाहिए थी, तो 17.43 हजार आ रही है, तो ये सही है। ये है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की सहायता से अंतर्वेशन ज्ञात करना। बड़ी आसानी से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। थैंक यू।